अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो को बनाने का मकसद आपको स्किल्स एकेडमी के कंसेप्ट का समझाना है और इसके क्या प्लान्स हैं आगे, और इसे कंटिन्यू रखा जाएगा या इसके साथ क्या करना है फ्यूचर में। तो इस वक्त जो मेरा प्लान है वो ये है कि इंटरनेट पे जितने भी अवेलेबल कोर्सेज हैं, जितने भी टीचर्स वगैरह के, वो सब इसके ऊपर इकट्ठे किए जाएँ। जैसे कि सर अली रज़ा का है PPC का, और SEO का, और इस तरह बहुत से टीचर्स का है, लैंग्वेजेस के कोर्सेज हैं, बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं। तो जो मैंने पर्सनली यूज़ किए हैं और मुझे अच्छे लगे हैं और जो जिनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, उनको मैं इधर पोस्ट करता रहूँगा। और ये 1 वीक, 1-2 वीक के अंदर जितने भी इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल हैं, वो एक दफ़ा तो वो सारे मैं इसके अंदर ऐड करूँगा। फिर अगर फ्यूचर में अगर ये कामयाब हुई तो फिर इंशाल्लाह प्राइवेट टीचर हायर करके भी इसके ऊपर पोस्ट करेंगे। तो वो सारा कुछ डिपेंड करता है कि लोगों का रिएक्ट किस तरह का है, यानी कि अगर ये मशहूर होती है नहीं। तो मैंने 2 मंथ की होस्टिंग ली है। अगर ये कामयाब हो गई तो फिर आगे मैं 3 साल की बाय कर लूँगा। अगर इन 2 मंथ में कोई इतना ख़ास रिस्पांस नहीं आया, यानी कि लोगों को इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगी, तो फिर मजबूरन ये डाउन हो जाएगी। तो जो न्यू लोग हैं उनको समझाने के लिए कि ये किस तरह इसे यूज़ किया जाता है, आप विदाउट साइन अप भी इसे इस पे कोर्सेज वगैरह देख सकते हैं। लेकिन अगर साइन अप कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें आप अपनी प्रोग्रेस भी देख सकते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और अब आपने कोर्स में जाना है, करिकुलम में जाना है, और ये नीचे सारे लेसन्स आ जाएंगे। इसमें आप किसी भी लेसन्स पे क्लिक कर सकते हैं। तो क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये ऊपर वीडियो है, नीचे कंप्लीट डिटेल है उसकी। तो ये मैंने हर वीडियो के लिहाज से इंटरनेट से इंफॉर्मेशन ग्रैब की है, ताकि लोग काफ़ी ज़्यादा डिटेल के साथ समझ सकें। जैसे ये सॉफ्टवेयर हैं प्रोग्रामिंग के लिए जिनकी ज़रूरत होती है, नीचे डाउनलोडिंग बटन है सबके नीचे। तो ये सारी वीडियोस में मैंने डिटेल्स डाली हैं, और इंशाल्लाह बाकी जो कोर्सेज पोस्ट करूंगा मैं पूरे इंटरनेट से ढूंढ के, अच्छे अच्छे टीचर्स के, उन पे भी कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगा। तो इसके इंटरफेस का थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से आप इसे फुल स्क्रीन कर सकते हैं, यहाँ से इसे बंद कर सकते हैं, और ये सर्च बार है, यहाँ पे आप कोर्स सर्च कर सकते हैं, ये आ जाएंगे कोर्सेज। अगर रजिस्टर करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं, ये थोड़ा बग है, ये जब लॉन्च होगी तो फिक्स हो जाएगा। और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गई, तो ये मेरी प्रोफाइल होगी क्रिएट। आगे अगर आपका ग्रेविटार पे बना हुआ है तो वहाँ से ही आपकी ऑटोमेटिकली ये इमेज फेच हो जाएगी, और यहाँ से आप इसकी सारी सेटिंग कर सकते हैं, अपनी नेम वगैरह की, और अपनी बायो एंटर कर सकते हैं, अपनी फ़ोटो चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड वगैरह वगैरह। और जिन कोर्सेज में आपने इनरोल किया है वो यहाँ पे शो होंगे। उसके बाद अब ये फॉर एग्जांपल कोर्स है, इस पे के ऊपर जाऊँगा और यहाँ से टेक दिस फ्री कोर्स के ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये इनरोल हो गया है। अब ये सारा जब
अस्सलाम वालेकुम हो दोस्त, जाएगा, तो HTML. उसके बाद आपने कंप्लीट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद ये आपका मार्क्ड एज कंप्लीट हो जाएगा, सारा देखने के बाद आपने क्लिक करनी है। बाद नेक्स्ट वन शुरू हो जाएगा, फिर आपने कंप्लीट के ऊपर क्लिक करनी है। फिर उसके नेक्स्ट आप यहाँ से भी नेक्स्ट कर सकते हैं, प्रीवियस में जाना हो तो यहाँ से प्रीवियस में जा सकते हैं, यहाँ से सर्च कर सकते हैं। ये इसकी सारी लाइब्रेरी है कि कोर्सेज में क्या क्या चीज़ है। ये पहले HTML का सारा है, फिर CSS है सारी, फिर उसके बाद एक स्क्रैच से वेबसाइट क्रिएट करके दिखाते हैं। तो इस वेबसाइट के प्लान तो यही है कि इसे कम्प्लीटली फ्री रखा जाए। कुछ लोग रिकमेंड करते हैं कि कोई फीस वगैरह चार्ज करनी चाहिए। फीस इस पे नहीं चार्ज की जा सकती। पहली बात तो ये है कि ये कोर्सेज जो हैं ये ज़्यादातर इम्बेडेड होंगे, यानी कि इनकी ओनरशिप मेरे पास नहीं है। और दूसरा, जो सिखाने पे पैसा लेना जो पर्सनली मुझे अच्छा भी नहीं लगता। और अगर फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि जब ये वेबसाइट अगर मशहूर हो गया ये प्रोजेक्ट, तो जब कोई इंस्ट्रक्टर वगैरह आए तो वो हो सकता है अगर इसके ऊपर कोर्स पोस्ट करें तो उस पर चार्ज कर लें। लेकिन फिर भी कोशिश तो यही होगी, अगर कल को ये मशहूर होगी तो हम प्राइवेट टीचर हायर करके तो उनसे कोर्सेज वगैरह बनवा के पोस्ट करेंगे, जैसे ऑनलाइन उस्ताद पे हुआ है। तो उम्मीद है कि आपको ये आइडिया और सारे सजेशंस अच्छे लगे होंगे। इस पे अभी मैं फोरम भी लॉन्च करने का सोच रहा हूँ थोड़े दिनों तक, वो भी आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है। ये सारी वेबसाइट इस चीज़ के ऊपर बेस है, अगर लोगों को पसंद आए तो, अगर लोगों ने इंटरेस्ट लिया तो फिर ये चलेगी, अगर ना इंटरेस्ट लिया तो फिर ये डाउन हो जाएगी। तो अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है, कोई कोई चीज़ पूछना चाहता है, तो वो नीचे कमेंट्स में पूछ सकता है। अगर कोई सजेशन है तो वो भी दे सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये आइडिया और वीडियो सारा कुछ पसंद आया होगा, और ये कोर्स भी ज़रूर चेक कीजिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया।